अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक वंस अगेन इन मंजले फलक फलक खान के साथ। खुश रहें और खुशियां बांटते रहें भाई। सबकी ईद की तैयारी शुरू हो गई है और हम लोग भी ईद की तैयारी करने के लिए जद्दा जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग ग्रोसरी करेंगे और उसके बाद हम बच्चों की चुन्नी मुन्नी चीज़ें खरीदेंगे। और मेरे अल्हम्दुलिल्लाह अपने ड्रेसेस जो हैं वो मेरी मम्मा ने पाकिस्तान से भेज दी हैं, प्लस उनने बच्चों की भी काफ़ी सारी चीज़ें पाकिस्तान से भेजी हैं, कपड़े भेजे हैं उन्होंने। लेकिन फिर भी आपको पता है कुछ ना कुछ रह ही जाता है जो हम लोग ख़रीदने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, हमारे राबिक में काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं लेकिन फिर भी हमें जद्दा जाना पड़ता है। तो चले आए, देखें, इंजॉय करें। अच्छा, हम लोग ईद की ग्रोसरी करने पहुँच आए हैं दनूब, और रोज़ा होने की वजह से, रोज़ा दिन के 12 बजे का टाइम था और रोज़े की वजह से यकीन जाने जो वीडियो में मेरे से बोला जा रहा हो इस वजह से मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और मैंने कहा मैं ज़रा आप लोगों को बैक साइड से ये पूरी लुक दूँ। ये थे कितनी खूबसूरत ये बिल्डिंग बनी हुई है और आज मौसम भी बड़ा प्यारा सा था, तो मैंने ज़रा एक फुल लुक आप लोगों के लिए कैच कर ली। और ये देखें जी, ये दोनों का फ्रंट डोर है। अच्छा, मुझे दनूब से ग्रोसरी करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है क्योंकि हर एक चीज़ की इतनी ज़्यादा और इतनी अच्छी वैरायटी आप लोगों को मिलती है कि जिसका कोई अंदाज़ा नहीं। और यहाँ पे आजकल रमज़ान की वजह से, आपको पता है रमज़ान का एंड है, तो ऑफ़र भी चल रही है। और माशाल्लाह इन लोगों ने जी ये बम्पर प्राइस भी लगाया हुआ है मर्सिडीज़ का। मैं जब भी कोई इस तरह के बम्पर प्राइस देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ यार वो कौन लकी लोग होते हैं जिनके ये निकल आते हैं। ओहो, पता नहीं हम उन लकी लोगों में कब शुमार होंगे। अच्छा, दनूब बहुत ही बड़ा है, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। हम लोग पहले फर्स्ट फ्लोर पे आ गए। ये देखें ज़रा, एक ज़रा फुल लुक देखें, इसके बाद हम नीचे जाके ग्रोसरी करेंगे। अच्छा, पहले हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे आ गए क्योंकि यहाँ से मुझे बच्चों के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी घर के यूज़ के लिए, और एक दो टॉयज़, कब से सर में दर्द किया हुआ है बच्चों ने, दो तीन टॉयज़ के लिए, और वो टॉयज़ हमने यहाँ से लेने थे। यहाँ पर इनके पास बहुत वेराइटी है टॉयज़ की, अभी आप लोग आगे वीडियो में देख लेंगे। और यहाँ से आगे जाने के बाद ये सामने इन लोगों ने मस्जिद बनाई हुई है, मेल एंड फीमेल। ये छोटा सा एक फूड कोर्ट है और नॉर्मल डेज़ में यहाँ पे खाना बहुत ज़बरदस्त इन लोगों का जो ओपन बुफे होता है बहुत अच्छा होता है। और ये साइड पे, अच्छा ये देखें भाई, सबसे मज़े की चीज़ तो ये है, जो बच्चे जिस्मानी तौर पर नहीं थकते भाई उनको मेंटली थकाओ। और ये गुड़िया थी और इसके साथ ये देखें पेंट्स इसके साथ है, और इस गुड़िया को आप लोग पेंट करो, बच्चों को दे दो और बच्चे पेंट करें। ये देखें इसके साथ ये पेंट्स भी हैं, मुझे बहुत पसंद आई है। अच्छा, इसके बाद जी यहाँ से इंटर होने के बाद जी ये इलेक्ट्रॉनिक का एरिया है, और ज़रा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स देखें कितनी इनके पास, इतनी ह्यूज वैरायटी है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। और ये लोग, इनकी जो ऑफर्स होती है ना 50%, वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। ये देखें मैंने एक यहाँ से भी, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया हमेशा इंसान को विंडो शॉपिंग करनी चाहिए ताकि जब आपके फ्रेंड्स को या आपको कोई चीज़ बाय करनी हो तो आप किसी की भी हेल्प कर सको और अपनी भी हेल्प कर सको। और उसके बाद जी ये टॉयज़ का एरिया, यहाँ से कुछ लेना था मुझे, और ये सुपर हीरोज़ के ड्रेसेस, और ये देखें ये कारनामे मेरे बच्चों के, बस क्या बंदा कर सकता है। और यहाँ पे मैं ज़रा नज़रसानी कर रही हूँ क्योंकि अहमद के स्कूल में ना आए दिन कोई ना कोई फंक्शन होता रहता है, तो मैं ज़रा माइंड में लेकर आ रही हूँ कि यहाँ पर किस किस तरह के सुपर हीरो ड्रेसेस हैं। और जी यहाँ पे मेरा भी दिल कर रहा था कि मैं भी बच्ची बन जाऊँ। अच्छा, अपने अंदर के बच्चे को ना कभी मारना नहीं चाहिए, आपको हमेशा कुछ ना कभी ना कभी इस तरह की हरकतें करनी चाहिए कि जो आपको ये एहसास दिलाएं कि आपके अंदर भी एक बच्चा है। और इस तरह की हरकतों से ना बच्चे बड़ा खुश होते हैं कि हमारे पेरेंट्स भी जो है तो दे आर एक्ट लाइक अस। और मैं बड़ा बच्चों के साथ खेलती हूँ। और ये इस साइड पर देखिए स्विमिंग की चीज़ें थी, इतनी ह्यूज वैरायटी है इनके पास टॉयज़ की। और ये बच्चों के बाद के लिए, ये मैंने एक मोहम्मद के लिए लिया, लेकिन जब मैंने इसको प्रेस किया और इसमें से साउंड आया तो मोहम्मद बहुत डर गए और फिर मुझे अफसोस होने लगा कि मैंने क्यों ख़रीदा। अच्छा, इस साइड पे ये देखें, ये हैट्स मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, सारे पॉप्स एंड स्प्रेस, स्नो स्प्रेस, और ये सारा स्टफ बर्थडे का है। और ये मुझे हैट्स बहुत अच्छी लग रही थी, ये देखें। और ये फिर मैंने सोचा कि अच्छी क्यों लग रही, क्यों ना मैं पहन के भी अपने को देखूँ कि मैं कैसी लगूँगी। और ये देखें (laughs)
अच्छा यहाँ पे बच्चों के जो ये रिमोट कंट्रोल वाली कार्स होती हैं, इसकी भी बहुत प्यारी बहुत खूबसूरत वैरायटी थी इनके पास, और फिशर प्राइस की बहुत सारी कार्स थी। फिशर प्राइस टॉयज में मेरा फेवरेट ब्रांड है, आप एक दफ़ा बाय कर लो बस भाई, अच्छा खासा टाइम निकाल जाते हैं। इनफैक्ट फिशर प्राइस के जो टॉयज होते हैं वो टूटते ही नहीं हैं, तो मतलब आपकी थोड़ी एक बिग इन्वेस्टमेंट होती है, थोड़ी एक्सपेंसिव होते हैं वो, लेकिन ये कि बहुत अच्छे होते हैं फिशर प्राइस के टॉयज। और ये आप लोग देख सकते हैं टॉयज के पोर्शन में जाके, तो हाँ ये विक्ट्री चेक करें ज़रा, टॉयज के पोर्शन में जाके तो बच्चे बस इंसान कहता है कि दुनिया ही भूल गए। और यहाँ पे बेबीज़ की, यही सारा स्टफ बेबीज़ का था, बेबीज़ के टॉयज मोहम्मद की एज के बच्चों के, बेबी कैरियर उनके। अच्छा यहाँ पर नीचे जो है बच्चों के स्ट्रॉलर्स वगैरह भी थे, वॉकर्स भी थी, लेकिन मुझे क्वालिटी कुछ अच्छी नहीं लगी इसलिए मैंने उनकी वीडियो भी नहीं बनाई। अल्लाह इस साइट पे चेक करें, इतने सुपर हीरोज, इतने सुपर हीरोज और इतने एक्सपेंसिव, पता नहीं बच्चों को क्यों ये सुपर हीरो इतने पसंद है। और ये देखें स्पाइडरमैन चेक करें, जो कि वहाँ पे एक हुदम मचाया हुआ था अहमद ने इस बॉक्स के लिए। और यहाँ पे डॉल्स की वैरायटी देखें, इतनी खूबसूरत इतनी प्यारी वैरायटी थी यहाँ पे डॉल्स की। और ये बच्चों के प्लेइंग सैंड्स और क्ले जिनके साथ बच्चे प्ले करते हैं बहुत शौक से, ये देखें कितनी प्यारी खूबसूरत खूबसूरत डॉल्स हैं। मुझे इतना शौक है मेरी अरीशा डॉल्स के साथ खेले, स्टार्टिंग में हमने उसे बड़ी एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव डॉल्स लेकर दी, लेकिन जब हमें ये पता चला कि उसको इन चीज़ों में इंटरेस्ट ही नहीं है, ये देखें कितना प्यारा लग रहा है ये, जब हमें ये पता चला कि उसे इन चीज़ों में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो फिर भाई हमने बाय करनी छोड़ दी। अलबत्ता उसको इंटरेस्ट है गाड़ियों में। और जी यहाँ से पूरा इलेक्ट्रॉनिक का पोर्शन स्टार्ट हो जाता है, स्टार्टिंग में ये मोबाइल की एसेसरीज़ हैं। अच्छा सबसे पहले ये हैंड सैनिटाइज़र और हैंड सोप मशीन्स हैं जो ऑटोमेटिक सोप बाहर निकालती हैं। ये सामने आप लोगों को जी हेयर ट्रिमर्स नज़र आ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के और डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी के। ये इस साइट पे जो घर में स्पाई करने वाले कैमराज हैं, स्पीकर्स वाईफाई स्पीकर्स हैं ये। और ये साइट पे लेडीज़ के यूज़ करने की मशीनरी है ब्राउन वालों की, एक साइड पे जेंट्स एक साइड पे लेडीज़। यह आगे आपको ओवन और माइक्रोवेव्स की वैरायटी नज़र आ रही है, साथ ही वैक्यूम क्लीनर्स, साथ ही आप लोगों को ये इलेक्ट्रिकल स्टोव्स नज़र आ रहे हैं। सामने देखें पॉपकॉर्न मशीन्स इतनी सारी। अच्छा साथ ही में आप लोगों को आयरन स्टैंड नज़र आ रहे हैं। और इस साइड पे आकर जी फेवरेट पार्ट हम लोगों का ग्रिलर्स का है, इलेक्ट्रिकल ग्रिलर्स हैं यहाँ पे सारे। आगे जी सारी आपको वैरायटी ऑफ आयरन्स नज़र आ रही हैं, वाटर स्टीम। ये देखें जी टिकटॉक पे देखते थे, ये देखें फैन, यहाँ पे साइड पे स्टीमर्स हैं और फैंस की वैरायटी है। अच्छा ये आपको ऊपर नज़र भी आ रहा होगा, हैंड स्टीमर्स भी हैं और इधर आगे आके जो है तो स्टैंड स्टीमर्स भी हैं। और ये जी आगे जाके इस साइड पे हेयर स्टाइलिंग के प्रोडक्ट्स हैं, हेयर स्टाइलिंग की मशीन्स हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और ये सारा पोर्शन है टीवीज का, ओहो हो ये देखें, ज़रा मैंने कहा ज़रा दूर से आप लोगों को दिखाऊं एक फुल लुक। ये साइड पे सारे आपको होम थिएटर सिस्टम नज़र आ रहे हैं, स्पीकर्स होम थिएटर सिस्टम्स, जो हमारे पाकिस्तान में जो है तो शादी ब्याहों में चार पांच मोहल्लों को सुनाने के लिए यूज़ होते हैं। और इस साइड पे कॉफ़ी मशीन्स थी। ये आगे जाके यहाँ पर सारे जूसर मशीन्स की वैरायटी है, देखें कितने सारे ब्रांड्स और कितनी वैरायटी है, और हर ब्रांड के अलग अपना अपने अपने प्राइस हैं हर ब्रांड के, जो आपको सूटेबल है आप वो ख़रीद लो। और ये आगे जो है तो आप लोगों को नज़र आ रहा है इलेक्ट्रिकल वाटर बॉयल करने की मशीन्स हैं यहाँ पे। और फिर हम आगे चलते जा रहे हैं, ये साइड पे राइस कुकर्स हैं, राइस कुकर कितना इंसान का टाइम बचा देता है, ओ माय गॉड आई लव राइस कुकर। और इस साइड पे चॉपर्स और टोस्टर्स आप लोगों को नज़र भी आ रहे हैं। अच्छा यहाँ से आगे अब कुकवेयर स्टार्ट हो गया है, और आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कितनी ज़्यादा वैरायटी है यहाँ पे कुकवेयर्स की। सामने बिल्कुल सामने आप लोगों को जूसर मशीनें नज़र आ रही हैं,
और ये देखिए साइड पे, साइड पे भी जूसर मशीन्स हैं, ब्लेंडर मशीन्स एंड जूसर मशीन्स। अगेन कुकवेयर, ये ज़रा मुझे बाय करना था तो मैंने कहा ज़रा देखूँ कैसा ये, आगे भी देख सकते हैं आप लोग। अच्छा, जब भी शॉपिंग किया करें ना, लाजमी एक दो मार्केटें घूम के शॉपिंग किया करें, ऐसे ही नहीं आलन फालन एक ही मार्केट में गए जाके शॉपिंग करके लाए। ये देख कितनी खूबसूरत ट्रेज है यहाँ पे, और फिर बस आप लोगों को मैं एक एक लुक ही दिखा रही हूँ कि जो कोई बंदा मुझे सऊदी अरब से देख रहा है उसे इस बात का पता चल जाए कि दनूब में हर चीज़ की कितनी, मतलब अक्सर होता है ना आपने शॉपिंग करनी होती है तो आपको समझ नहीं आ रहा होता आप कहाँ से चीज़ बाय करो। ये सारे इंडियन वेयर, इंडियन कुकिंग वेयर्स हैं कॉपर के। इंडियन लोग अपने स्पेशल जो उनके गेस्ट होते हैं ना उन्हें इसमें सर्व करते हैं। अच्छा, ये आगे आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ से अब स्टार्ट हो जाता है, जितनी भी यहाँ पे साइड पे चीज़ें थी वो सारी कांच की थी, कांच के बर्तन। और इस साइड पे वाटर बॉटल्स नज़र आ रही हैं आप लोगों को, गिलास नज़र आ रहे हैं, गिलासों की वैरायटी, वाटर बॉटल्स की वैरायटी। अच्छा, और बहुत खूबसूरत और यूनिक वैरायटी है इनके पास। आप लोगों को मेरे कैमरे की आँख से नज़र भी आ रहा होगा, देखते हैं कितने खूबसूरत इनके पास गावे के, देखे थर्मास, गावा सर्व करते हैं इसमें ये लोग। आगे कप स्टार्ट हो गए, टी कप्स इस साइड पे देखें, बास्केट्स यहाँ पे आ गया, बैक साइड पे सारी ब्लैंकेट्स और बेडशीट्स हैं। अच्छा, यहाँ से अंदर जाके मुझे अचानक से ना ये पिलू नज़र आया, ये प्रेग्नेंट लेडीज़ का पिलो है जो अक्सर लेडीज़ ढूंढ रही होती है उनको मिलता नहीं है, तो मैंने ये फुटेज इसलिए बनाई है उनके लिए कि अगर कोई देख रहा है तो आगे भी बता सके कि वो ढूंढ रही होती है ऑनलाइन स्लीपिंग पिलो, तो ये यहाँ पे अवेलेबल है दनूब पे। और ये इस साइड पे सारे पिलोज़ हैं। आगे आप लोगों को ब्लैंकेट्स और बेडशीट्स की वैरायटी नज़र आ रही है, ये देखें ये ट्रैवलिंग पिलोज़ हैं साइड पे। अच्छा, यहाँ पे एहराम प्लस एहराम बांधने के जो मर्दों के बेल्ट होते हैं ना वो भी अवेलेबल हैं, ये देख सकते हैं। ये बच्चों की ब्लैंकेट्स हैं, बेबीज़ की। बस ये आ गया आप लोगों को ब्लैंकेट्स, और ये इस साइड पे जो टॉवल्स का पोर्शन है, सारे टॉवल्स नज़र आ रहे हैं आप लोगों को, जिस कलर का बाय करना आए और बाय कीजिए। और फिर उसके बाद ये सेट मुझे बड़ा प्यारा सा लग रहा था तो मैंने कहा ज़रा पास आके वीडियो बनाई जाए। ये साइड पे देखिए टी कप्स, ये कितनी खूबसूरत यहाँ पे बर्तन है। और ये देखें सबसे प्यारी मेरी वीडियो का पार्ट, जो हम लेडीज़ को बड़ा अट्रैक्शन करते हैं ना घर डेकोरेशन करने की चीज़ें, ये देखें कितने खूबसूरत यहाँ पर वैरायटी है डेकोरेशन पीसीस की कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। और यहाँ पर ऑफ़र भी लगी हुई थी, पहले काफ़ी एक्सपेंसिव थे, ऑफ़र के बाद फिर थोड़े कम। और ये जी आगे आप लोग देख सकते हैं कितने खूबसूरत डेकोरेशन पीस हैं, जोकर्स हैं जो बच्चों को बड़ा अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। बहुत यूनिक इनके पास ना डेकोरेशन, हाउस डेकोरेशन की चीज़ें जो थी वो बहुत यूनिक थी। और आप लोग इन्जॉय करें भाई एंड तक मेरी इस वीडियो को, और इसके बाद ये ग्रोसरी का जो पार्ट है वो मैं इस वीडियो के बाद अपलोड करूँगी। और ये एप्पल मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा लगा, सबसे ज़्यादा क्यूट और सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव, ये रियल क्रिस्टल था। और इसके साथ ही जी ये पड़ा था तो मैंने कहा भाई ज़रा सी स्नो भी इधर उधर उड़े और मैं देखूँ कितना खूबसूरत लग रहा है, और मैंने इसको उठा के थोड़ा सा हिलाया इस स्नो की वजह से, ज़रा सी स्नो, मैंने कहा ये देखिए। और जी इसके बाद जी वेट करें सेकेंड पार्ट के लिए, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।